हाय स्टूडेंट, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। ओके ओके, सो आप लोग ने वीएस कोड स्टार्ट किया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। वीएस कोड अगर ओपन किए हो तो उसके अंदर हमारे पास ऐप डॉट जे एस है, ऐप डॉट सी एस एस, इस पे वर्कआउट कर रहे थे। हेडर डॉट जे एस, हेडर डॉट सी एस एस, ये चारों फाइल ओपन कर लो अगर आपने नहीं किया है। डन। ओके ग्रेट, सो ओपन किए होंगे तो आपको एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से नजर आएगा जो प्रीवियसली हमने बनाया था। तो हमने क्या किया लास्ट टाइम, जस्ट एक रिकैप कराता हूँ वेयर वी एंडेड लास्ट टाइम। सो एक शॉर्ट पे, ये तो हमारा मेन एप्लीकेशन है जहाँ से ऐप स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका नाम ऐप फंक्शन है और उसके अंदर हेडर कंपोनेंट हमने दिया है और वी आर बिल्डिंग द अमेजोन प्रोजेक्ट जो आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पर लिखकर आ रहा है। और फिर इसका सी एस एस में हमने जस्ट मार्जिन सेट किया ताकि ये जो ब्लैक लाइन आ रहा है यहाँ पर और ब्राउजर है, इसके बीच में कोई गैप ना हो। अगर आप इसको गैप हटा देते हो इन केस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा गैप आ जाता है। एक्चुअली वो मैंने वहां पे मैनेज किया है, इसलिए नहीं हो रहा होगा। ओके, हेडर डॉट जेएस पे आते हैं जहाँ पे हमको हेडर फाइल क्रिएट करनी है। तो ये जितना ब्लैक एनवायरनमेंट आप देख रहे हो, ये मेरा हेडर एरिया है। तो हेडर एरिया को हमने लोगो उसमें पुटअप किया। ये लोगों का मैंने लिंक आप लोग को दिया था, इनकेस अगर आप लोग नहीं किए हो अब तक, आपके पास नहीं है तो मैं फिर से लोगों का लिंक डाल रहा हूँ। तो ये लोगों का लिंक है जो आप यहाँ पे देख पाए, अमेजोन का आइकन द इमेज। फिर ये कुछ हमने क्लासेस दिए हैं, क्लास नेम जैसे सी एस एस में क्लास होते हैं तो जे एस एक्स में हम क्लास नेम लिखते हैं। और ये रहा मेरा हेडर सर्च, तो यहाँ उसका इनपुट बॉक्स, तो ये जो आप देख रहे हो ये इनपुट बॉक्स है, इसका हमने क्लास नेम दिया है। फिर हमारे पास एक नेविगेशन बार के अंदर एक और हमने इनपुट किया है, ओके। इधर पे अगर आप देखोगे हेलो लिखा है, साइन इन लिखा है, मतलब ये हम लोगों ने सेपरेटली यहाँ पे कंबाइंड नजर आ रहा है, मगर हमने इसमें सेपरेट प्रिविलेज दिए ताकि हम इस पे इंडिविजुअली काम कर सके। सो दैट फॉर दैट वी हैव यूज्ड कॉन्टैक्ट। वैसे ये रिटर्न एंड ऑर्डर पे है और योर एंड प्राइम पे किया है। तो एवरी दिस आर नॉट अ सिंगल यूनिट, ये एक्चुअली स्पैन टैग से सेपरेट किए गए हैं, लास्ट ईयर हमने ये किया था। और फिर मैंने इस ये जो जेएस था राइट, तो जेएस में हम लोग कर रहे क्या है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंक्लूडिंग एचटीएमएल दोनों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जेएसएक्स, बेसिक्स प्रोग्रामिंग है तो जो कि रिएक्ट जेएस। अब इसके अंदर हमने जस्ट छोटा सा चेंजेस किया कि बैकग्राउंड जो हेडर है मेरा, यू सी डॉट हेडर, ये कहाँ से आया, ये आया पूरे सीएसएस के। तो पूरा हेडर जो है इसी डिव के अंदर है, यू सी पूरा हेडर मेरा इसी डिव के अंदर है। तो इस हेडर को मैंने ब्लैक कलर दे दिया, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक, यही रीजन है कि आपको पूरा बॉक्स ब्लैक कलर का है।
तो अभी हम लोग वर्कआउट टाइम में कर रहे हैं, हेडर पे कर रहे हैं, तो ये पूरा ब्लैक कलर का आएगा। लोगो की विथ मैंने चेंज कर दी, पहले ये विथ जो थी ये डिफॉल्ट विथ थी। तो देखो यहाँ ऐसा साइज का, इसका इस वजह से जब व्हाइट कलर पे था तो आपको दिख नहीं रहा था, बस ये नीचे का एरो नजर आ रहा था। तो जब हम लोगों ने इसको विथ दिया तो एक प्रॉपर साइज पे नजर आ रहा है। ठीक है, डॉट नेव बार कलर अलाइज ब्लू, ये हम लोग ने नेविगेशन बार को एक ब्लू कलर दिया है, तो वो तो बाद में व्हाइट कलर दिया है ताकि मुझे यहाँ के जो टेक्स्ट है वो कलर व्हाइट कलर में नजर आए, तो अदरवाइज ये स्क्रीन जो टेक्स्ट है वो भी इनविजिबल हो जा रहे थे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर का होता है। इफ यू सी गायब हो गया, तो हम लोगों ने इसको कलर दिया टू मेक इट विजिबल। सो दिस वॉट्स वॉट ऑल अबाउट वी डिड इन द लास्ट टाइम। सो आई होप एवरीबडी इज विथ मी, सब लोग मेरे से साथ सिंक है यहाँ पर। यस नो रिप्लाई इन द चैट एवरीवन। ओके, तो द न्यू कमर्स थिंग्स आर अवेलेबल इन द रिकॉर्डेड वीडियोस, बस आप आज के सीरीज से ज्वाइन करें। पहला सेशन थोड़ा सा आपको अटेंटिवली सुनना होगा, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मतलब फॉलो अप नहीं कर सकते क्योंकि आउटपुट एवरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेशन में हमने रिएक्ट को इंस्टॉल किया था, तो आप जस्ट वॉच करें किस तरीके से सेशन हो रहा है। ठीक है, तब्रेज का लोकल होस्ट रन नहीं हो रहा है। तब्रेज सी इन रिएक्ट जेएस, हम लोग रिएक्ट के अगर फ्रेमवर्क पे काम कर रहे तो हमारा लोकल होस्ट 3000 पे होता है। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू गो टू टर्मिनल एंड गो टू योर पाथ। आप अपने पाथ में जाइए, तो देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी था पाथ में, तो आइदर यू कैन गो थ्रू योर टर्मिनल आइदर और थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। मैंने लास्ट टाइम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू बताया था। तो देखो आपका जो जहाँ प्रोजेक्ट रखा है एग्जैक्टली वहां से npm स्टार्ट टाइप करना और एंटर करना, तो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर जो भी रहेगा वहां से वो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ यू वांट मी टू डू इन कमांड प्रॉम्प्ट में ज्यादा कन्वीनियंट लगता है शुरू शुरू में, इसलिए मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट से करा रहा था। तो फिर कमांड प्रॉम्प्ट में ऐसा आएगा, आपका प्रोजेक्ट कहाँ है बेसिकली, या प्रोजेक्ट इज एक्चुअली इन मेरे केस में ई ड्राइव के अंदर, मैंने उसको नाम दिया था अमेजोन प्रोजेक्ट 23। ये रहा वो प्रोजेक्ट, ये उसका पाथ है, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर लोगे ना, तो cmd टाइप करो, एंटर मारो, सेम पाथ से आप आ जाते हो कमांड प्रॉम्प्ट में, और फिर यहाँ पे आपको npm स्टार्ट टाइप करना है। तो मेरा ऑलरेडी स्टार्टेड है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो npm स्टार्ट पे क्लिक करके एंटर करोगे तो आपका लोकल होस्ट से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वे, ऐसा करना है। और सेम थिंग यू कैन सी इन द कमांड टर्मिनल भी ऐसा ही है। ठीक है, सेम प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट टू गो थिंग कमांड प्रॉम्प्ट, पहली बार कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करो। इसके बाद में कुछ चीजें हमको टर्मिनल का ही इस्तेमाल लगेगा, तो टर्मिनल पे भी हम ओके यू आर गेटिंग एरर्स एक्चुअली। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, पहले इतना परफॉर्म करते हैं फिर आपके इस बात में। ओके ओके चलो, अभी हियर इज माय आउटपुट, लेट मी पुल इट आउट हियर, उसको साइड में ले लेता हूँ मैं, और ये स्क्रीन को यहाँ पे रखते हैं। एंड ओके, सो व्हाट आई डू नाउ कि मेरे पास हेडर लोकल है, मैं जो भी आप क्लास नेम यूज कर रहे हो तो वो किधर है कहाँ पे है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो हेडर नेम देखो यहाँ पे मेन था हेडर। ठीक है, फिर मैंने लोगो के लिए मैंने लिखा हेडर अंडरस्कोर लोगो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं लास्ट टाइम बोला था आपको, मैं बाद में बताऊंगा। तो ये रहा मेरा हेडर, ठीक है, हेडर के अंदर इमेज है, और ये रहा मेरा हेडर लोगो। ठीक है, हेडर लोगो, तो ये कहाँ आ रहा, वो व्हाइट ब्लैक बॉक्स के अंदर आ रहा, राइट। फिर
वो किसके लिए, ये वाले हेडर लोगों के लिए। देन वी हैव हेडर सर्च, वो ये व्हाइट वाला जो आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे टाइप कर सकते हैं उसका। फिर वी हैव नेविगेशन बार, इसके अंदर तीन चीजें हैं, ये वाली चीजें, तो ये किसके लिए, ये इनके लिए, ठीक है। सो आप, और फिर हर नेविगेशन बार के अंदर भी जो बटन है, मतलब जो टेक्स्ट लिखा है उसके लिए भी हमने हेडर ऑप्शन लिखा है। तो ये चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैम कन्वेंशन, बैम कन्वेंशन, सीएसएस को हैंडल कर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बैम कन्वेंशन। तो बैम कन्वेंशन का फुल फॉर्म क्या है, बैम का मतलब होता है ब्लॉक, बी फॉर ब्लॉक, एलिमेंट मॉडिफायर। ये एक स्टाइल ऑफ राइटिंग, राइटिंग इंडिपेंडेंट सीएसएस को है, इंडिपेंडेंट से आपको तकलीफ नहीं होगी इन फ्यूचर जब आप सीएसएस हैंडल करोगे। तो इंडिपेंडेंट सीएसएस ब्लॉक हैंडल करने के लिए हम बैम कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जब मैं हेडर लिख रहा हूँ तो इवन दिस इज एक्चुअली द सिमिलर टू माय फंक्शन है। इन फ्यूचर जब मैं इस सीएसएस को हैंडल करूंगा कोई और लोकेशन में जाके, अभी तो फिलहाल दो ही फाइल बनी है और फ्यूचर में और 10-15 फाइल बनेगी, तब हमारे पास इतना कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस है। तो इन शब्दों को प्रॉपर नेम इस्तेमाल करने से हमारा काम थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाता है, और इससे हम आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं कि हम एग्जैक्टली अभी किधर पे। ओके, सो दैट्स अ बर्न कन्वेंशन। अबाउट इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज स्पैम, करो ना 2 मिनट में। क्या हुआ हर्षद? हाँ, एक बार फिर से बताओ ना 2 मिनट में, समझे कन्वेंशन ओके, का। देखो बैम कन्वेंशन सीएसएस में यूज होता है, जिसका नाम है बी फॉर ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक, बी फॉर एलिमेंट और मॉडिफायर। ये हम लोग क्यों करते हैं, कन्वेंशन एक ऐसा स्टाइल है, जैसे आप लोगों को कैमल केसिंग होता है, स्नेक केसिंग होता है जब आप कोडिंग करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में कैमल केसिंग यूज करते हैं। जैसे ये कैमल केसिंग राइट, एक होता है स्नेक केसिंग, तो वैसा ही सीएसएस में, एचटीएमएल में हम लोग करते हैं राइट, वैसे सीएसएस में आपको बैम कन्वेंशन यूज होता है, ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर। ये इट इज यूज फॉर राइटिंग क्लास नेम, क्लीनर क्लास नेम, क्लास नेम जो है हमारे पास उनको इस तरीके से लिखे ताकि वो सीएसएस में मोर रीडेबल फॉर्म में आ जाए। क्या हो जाए, रीडेबल फॉर्म में जो हमको मिल जाए, मोर रीडेबल फॉर्म में अवेलेबल हो जाए। तो इधर पे अगर मैं, आपने अपने नोटिस किया होगा, ये पूरा मेरा फंक्शन जो आप देख रहे हैं हेडर, ठीक है, इसका नाम और ये पूरे सीएसएस पे जो डिव अप्लाई किया मैंने उसका नाम सेम है। तो इन फ्यूचर जब मैं 4-5 फाइल बन जाएगी, हर एक जेएस की सीएसएस फाइल होगी और लॉट्स ऑफ फाइल विल बी क्रिएटेड इन फ्यूचर, तब हम लोग को सीएसएस हैंडल करने में बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। तो ये हमारा काम आसान करता है। जैसे मैंने यहाँ पे जो कंपोनेंट का नाम रखा है वही मैंने अपने सीएसएस के क्लास नेम का नाम भी रखा है, तो इट्स मेक मी इंडिपेंडेंट। ओके, तो इसके अंदर की चीजें भी वैसे ही बनाए, हेडर अंडरस्कोर लोगो, क्योंकि इसके अंदर लोगो जाएगा, ठीक है, फिर इसके अंदर सर्च बार जाएगा, फिर इसके अंदर नेविगेशन बार जाएगा, इसीलिए इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हम लोग, हम लोग छोटे छोटे में भी लिखकर काम खत्म कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ओके, हम लोग कहाँ थे भी, हेडर डॉट सीएसएस। सो मैंने लोगों का विथ सेट कर दिया है 100 पिक्सल। अब व्हाट आई वांट टू डू, ये अमेज़न जो है, ये AMAZON बहुत ज्यादा चिपक गया है मेरे बॉर्डर पे। लेट्स सी व्हाट हैपन देयर। तो उसको मैं
मार्जिन सेट करके कर लेता, मार्जिन टॉप से 0, फिर लोगों के लिए कर रहे हैं ना, ये हो गया। लेफ्ट राइट से टॉप से 0 कर दिया अपने। एक्चुअली मुझे बॉटम नहीं चाहिए, मेरे को बॉटम सिर्फ टॉप चाहिए, तो टॉप के लिए मैं अलग से कर पाऊँ मार्जिन टॉप। इसको तकरीबन 18 पिक्सल का ऊपर से स्पेस देता हूँ। देखो यहाँ से AMAZON था ना, इसके ऊपर से मेरे को नीचे लाना थोड़ा। देखो आया नीचे, तो ये वाला जो लाइन था ये लेफ्ट राइट से मैंने इसको साइड कर दिया। तो ये वाला अगर आप देखोगे चिपक गया एकदम बॉर्डर को, ए ए एक नोटिस ए, क्योंकि लेफ्ट राइट से हमने इसको 20 पिक्सल जो पहले दिया था हटा दिया मैंने, अभी वापस से कर दिया मैंने। और मुझे यहाँ पे नहीं देना था टॉप, एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ तो टॉप बॉटम दोनों लेता है वो, तो मेरे को टॉप अलग से देना है। तो अगर मैं हटा दूँ तो सी यू कैन सी चिपक गया हो जाता है, तो ये अभी टॉप से थोड़ा नीचे आ गया। सो अभी हम लोगों को एक और चीज यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट फिर। लास्ट टाइम हम लोग ने जावास्क्रिप्ट के उसके इसमें यूज किया था वो लोग नेटफ्लिक्स को। तो सारे चीजें मेरी इस जगह पे एग्जैक्टली फिट हो जाए, कोई बड़ा छोटा ना हो इसीलिए। फिर अभी यहाँ पर व्हाट आई वांट टू डू, सबको हॉरिजॉन्टल लेवल पे लेकर आते हैं। तो लेट मी यूज डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स लगाया हॉरिजॉन्टल, और सबको सेंटर पे ले लेते हैं। तो सेंटर पे लेने के लिए आई हैव अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर, ये जो मेरा था क्या हो गया। देखो ये वर्टिकली सेंटर पे लेना है तो वहां जस्टिफाई सेंटर करेंगे तो फिर वो हॉरिजॉन्टली सेंटर पर आ जाए। किसी पहले तो ये इसको मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आपको। इनिशियली सब ऐसा था, वर्टिकली ऑर्डर पे था जो HTML का डिफॉल्ट लुक एंड व्यू होता है। अब मेरे को सबको हॉरिजॉन्टली वे में लेना है तो फ्लैक्स ले लिया, तो एक रो बन जाती है। एक्चुअली रो होती ना, रो रो बनती है, रो कॉलम, ये रोज है। अब मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा नीचे, ये एक्चुअली सबको सेंटर में लेना है, अमेजोन को, ये बॉक्स को, और ये जो तीन चीज लिखी है। अब अगर यहाँ पे एक्चुअली अमेजोन लोगो ऑलरेडी सेंटर पे है और ये तीन चीज एक साथ लिखी भी है, इसलिए सेंटर नजर नहीं आ रहा। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ये ऊपर सरका हुआ, तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको बीच में लेकर आए। और इफ यू रिमेम्बर मैंने एक चीज बताया था लॉन्ग बैक, इफ यू ओपन फ्लिपकार्ट, अगर फ्लिपकार्ट को देखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो नेविगेशन बार है फ्लिपकार्ट का, ये अपने साथ आ रहा है नीचे। नोटिस, ये अपने साथ नीचे आ रहा है। अमेजोन में कैसा है जरा देख लेते हैं। अमेजोन में नहीं आ रहा है, चला गया, अभी आ रहा है, सॉरी आ रहा है, आ रहा है, फोटो लगा नहीं आ रहा, आ रहा है। देखो ये जो चीज है ना बार, जो ये बार आप देख रहे हो नेविगेशन बार, ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अभी। तो ये जो पूरा बार है ये हमारे साथ स्क्रॉल करने पे नीचे आ रहा है, इन बोथ अमेजोन में भी और इस पे भी। कुछ जगहों पे ये नहीं आता है, ठीक है, इस शायद नेटफ्लिक्स के केस में नहीं आ रहा। तो इसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे, तो लेट्स सी। उसके लिए कोई समबडी कैन गाइड सजेस्ट मी।
सर उसको स्टैटिक रखना पड़ेगा। नहीं स्टैटिक नहीं, स्टिक की एग्जैक्टली, वेरी गुड। वी नीड अ पोजीशन सेट करेंगे पूरे हेडर को, पूरे हेडर, हेडर जब मैं बोल रहा हूँ शब्द, रिमेम्बर ये पूरे ब्लैक बॉक्स की बात हो रही है, पूरे ब्लैक बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए आप इमेजिनेशन अपना क्लियर रखो, व्हेनेवर आई एम टेलिंग हेडर तो मेक श्योर दिस दिस इज माय हेडर, एंटायर ब्लैक बॉक्स, ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर सीएसएस पे काम कर रहा हूँ। तो भाई उसको, उसी बॉक्स को पोजीशन पता है, पोजीशन स्टिकिंग। देखो ये बहुत सारे आते हैं, लास्ट टाइम मैंने चारों चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ ऑलरेडी, अगर अभी वापस से करने जाऊंगा तो पूरा अमेजोन प्रोजेक्ट का 12 महीने 14 महीने की जगह वो 2 साल लग जाएगा। ओके और टॉप से हमको कोई स्पेस चाहिए नहीं, तो पहले से ही दे देते हैं इसको 0। अगर हमारा ऊपर ही चिपका रहे, देन एक चीज और, इफ यू रिमेम्बर, आपको अगर याद हो कि जब भी हम इसकी बात आती है, जैसे यहाँ पर मल्टीपल पेजेस क्रिएट हो रहे हैं, राइट, यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे कंपोनेंट्स की लिस्टिंग है, कंपोनेंट कंपोनेंट कंपोनेंट, तो एवरीथिंग इज एक्चुअली अ कंपोनेंट हियर। तो ये हमेशा ऊपर रहे, कभी ऐसा हो सकता है ना कोई एक पेज आ जाए, आप उसको क्लिक करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये वाला पेज क्लिक किया, एक नया पेज आया, अब ये नया पेज है, मगर इफ यू सी स्टिल अगेन मेरे पास ये अभी भी है, दिख रहा, ठीक है। सो इस सिनेरियो में मुझे उसको ऊपर रहना चाहिए। कैन समबड़ी, लास्ट टाइम किए थे, मतलब टॉप लेवल का पेज हो, ये सब लास्ट टाइम हुआ है, मैं आपको याद करवा रहा हूं। इंडेक्स गुड बट नॉट प्रॉपरली यू आर टेलिंग मी। देखो अगर मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैंने कुछ नया क्रिएट किया और वो एक दूसरा ऐसा पेज किया, तो ये इसके टॉप है, ब्लैक के ऊपर है, ऐसा ना हो जाए कि ये बाहर ऊपर आ जाए, पीछे वाली चीज आगे आ जाए, ऐसा ना हो। देखो मैं चाहता था ब्लू वाला ऊपर रहे, अभी कितना भी करूँ ब्लू ऊपर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली समबड़ी सेट करेगा, याद आ रहा है, आहिस्ते आहिस्ते याद आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको हमेशा ऊपर ही रखना है, ब्लू वाले को हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए ब्लैक के। तो मैं यहाँ पर, मुझे क्या चाहिए, दैट इंडेक्स, एग्जैक्टली दैट इंडेक्स चाहिए, एंड गिव इट हाईएस्ट वैल्यू। मैं इसे 100 दे रहा हूँ, 1000 भी दे सकते हैं आप, तो उस नंबर रेंज में आपको प्ले करना है, ठीक है, ताकि वो नहीं है अभी, वो दिखेगा नहीं यहाँ पर एज एन आउटपुट, तो नहीं दिखेगा, बट इन फ्यूचर जब हम लोग और थोड़ा एडिटिंग करेंगे तो कितना भी करूंगा ये ब्लू वाला हमेशा ऊपर ही रहेगा। और भी अगर आप पेज क्रिएट करते हो ये इन फ्यूचर, और भी पेज क्रिएट करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो हमेशा आपका वो ऊपर ही नजर आएगा। देखो ये समझो ब्लैक वाला फर्स्ट पेज था, ये उसका थर्ड पेज है, और अभी चाहिए आपको ये उसके ऊपर, तो अभी इसको इसको ऊपर लाने के लिए ऐसा, ये तीन, तीसरा जो येलो पेज है ये मेरा ब्लू के भी ऊपर है, ब्लैक के भी ऊपर है, तो ये जेड इंडेक्स से अचीव होता है सीएसएस से। ओके चलो अभी आते हैं हम लोग वापस इधर पे, ना करो आप लोग और आउटपुट का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डालो।
ऐसा स्क्रीनशॉट डालना है। वेरी गुड। बस स्क्रीन दिखाना वीएस कोड का। डन। ओके गुड, वेरी गुड तब्रेज। आउटपुट आ रहा है आपको तब्रेज? ओके स्क्रीनशॉट शेयर करो। कुलसुम हैव डन, दानियाल हैव डन, जहरा हैव डन, एंड फर्स्ट स्टोरी फर्स्ट उस्मान हैव डन। वेरी गुड। आई थिंक जुबैर आप लोकल होस्ट पे रन कर रहे, आप गो लाइव पे कर रहे हो शायद? गो लाइव पे नहीं करना है, गो लाइव मतलब लाइव सर्वर से एनपीएम स्टार्ट करके करना है। इस तरीके से हमारा फाइनल अभी तक का आउटपुट है। जुबैर देखो ये जो आप कर रहे हैं ना, एनपीएम स्टार्ट करके कर रहे हैं, से आपका प्रोजेक्ट जहाँ पर भी है वहाँ पे जाओ, सीएमडी टाइप करो, यहाँ पे डालो एनपीएम स्टार्ट, ऐसा रन कर। अभी एंटर मारोगे तो आपका लोकल होस्ट 3000 में प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हम लोग प्रीवियस दो प्रोजेक्ट बनाए थे वहां पे हम लोग लाइव सर्वर यूज किए थे, गो लाइव पे क्लिक करते थे, मतलब तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये गो लाइव पे क्लिक करके लाइव सर्वर का यूज करके करोगे तो आपका आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज वी आर यूजिंग रिएक्ट जेएस वेबवर्क, रिएक्ट जेएस पे रन करना है। ओके गोइंग अहेड, अभी सब लोग है, एवरीवन डन? टाइप डी इन द चैट। एवरीवन कोई है पीछे रह गया? ओके कुछ नया कॉन्सेप्ट है अभी। मैं तब्रेज का इंतजार कर रहा था, गुड न्यूज ये कि तब्रेज ने मेरे को बता दिया, अगर सही हो गया तो विल गो टू टर्मिनल नाउ। तो टर्मिनल आप लोग न्यू पे जाइए, सॉरी टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल ओपन करें। एवरीवन विथ मी, तो न्यू टर्मिनल ओपन करना है, उसको क्लिक करें आपको टर्मिनल आएगा। टर्मिनल इज जस्ट अनदर नेम फॉर कमांड प्रॉम्प्ट,
कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वही टर्मिनल होता है, एंड मेक श्योर कि आपका ये पाथ यही आए जो यहाँ पे था। सबका ऐसे ही आ रहा है? यस नो टाइप करो चैट पर टर्मिनल पे। बाय डिफॉल्ट वो सेम पाथ पिकअप कर लेता है इन केस आपको नहीं आया तो। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कुछ छोटे छोटे से पैकेजेस का इस्तेमाल करेंगे और सीएसएस को अभी थोड़ा एडवांस करेंगे। ठीक है, एडवांस सीएसएस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट जैसे कि आप लोग ने देखा था जॉब डिस्क्रिप्शन वाला, जहाँ पे हम लोग naukri.com पे ने देख रहे थे, तो क्या आपको ये टूल्स यूज करने आता है क्या? तो उसमें से एक टूल आज हम यूज करेंगे और उसका नाम है मटेरियल यूआई। ठीक है, बिफोर गोइंग इंस्टॉलिंग मटेरियल यूआई, लेट अस गो टू मटेरियल यूआई। यहाँ से मटेरियल, एक मटेरियल है सीएसएस भी होता है, ये कोई और प्रोजेक्ट में हम यूज करेंगे। फिलहाल हम मटेरियल यूआई यूज करेंगे, तो बहुत पॉपुलर है। MUI.com इसकी साइट का नाम है, रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी यू ऑलवेज वॉन्ट पे। ये इधर पे रिएक्ट की बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स हमको मिल जाएगी, तो ये वेबसाइट पे जाइए। सब क्या करेंगे, गूगल पे डालो, टाइप करो बस मटेरियल यू आई, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए हमको ये रखना है सीएसएस। इस साइट पे जाओ, मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स है यहाँ पे बहुत सारे, आपको रेडीमेड बताएगा कैसे यूज करते हैं। फिलहाल इसके सर जैसे सीएसएस के लिए ऐसे बूटस्ट्रैप ऐसे इसके लिए ये है क्या, क्या अलग है कुछ? एग्जैक्टली जैसे बूटस्ट्रैप है, तो हम लोग यहाँ पे मटेरियल यूआई यूज करें, और यू कैन सी कि अमेज़न खुद मटेरियल यूआई यूज करता है। अमेजॉन, स्पॉटिफाई, नासा, नेटफ्लिक्स, यूनिटी, शटर स्टॉप, ये लोग सब इसी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसमें से ये कमांड जो दिया है ना, npm install @mul/material, इसको हम लोग को इंस्टॉल करना है हमारे टर्मिनल पे। सो चलो चलते हैं यहाँ पर, इधर पे आप पेस्ट करेंगे, उसको कॉपी करो वहां से। देखो सर फिर से बताना एक बार। पहले तो ये साइट पे जाना है MUI.com, और जैसे बूटस्ट्रैप आप यूज करते हैं सेम वैसे ही मटेरियल यूआई कॉन्सेप्ट है सीएसएस को अच्छा बनाने के लिए। तो आपको ये बस का लिंक कॉपी करना है, और फिर आपके कोड के टर्मिनल पे जाके इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। इस करो, फिर एंटर मारो, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। कुछ मिनट्स लगेंगे। ओके, मीन वाइल ये हो रहा है, सब लोग का हो रहा है इंस्टॉलेशन, टाइप आई इन द चैट। एवरीवन रिप्लाई। ओके, मीन वाइल वो इंस्टॉल होता है, मैं आपको एक वॉक थ्रू कराता हूँ। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्यों आए, इसमें हमारे को इस वक्त है ना जरूरत है अमेज़न के ओरिजिनल वेबसाइट पर जाए, तो समथिंग ये जो आप आइकन देख रहे हो सर्च बॉक्स, ये वाला जो सर्च बॉक्स आपको नजर आ रहा है,
हमको ये चाहिए एक्चुअली में, तो ये हमको मटेरियल यूआई से निकालेंगे, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे सर्च करता हूँ आइकन, लेट्स सी क्या मिलता है। अरे वो मटेरियल आइकन्स मिला मेरे को यहाँ पर, ठीक है। पहले आप देख लो, मैं फिर से कराऊंगा, नो नीड टू बी इन हरी। फिर यहाँ पे उस पर्टिकुलर आइकन की लिस्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे और उससे रिलेटेड कुछ चीजें मिलेगी। देखो यहाँ पे मिला आइकन, अब वैसे ही सिमिलर आइकन मेरे को सब बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये अलग अलग फॉर्म्स में है। इसमें से मेरे को कार्ट वाला आइटम भी ले सकते हैं, आउटलाइन बेस चाहिए तो आउटलाइन बेस मिल जाएगा, अलग अलग यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये अलग अलग लोग मटेरियल डिजाइन फिग्मा जो यूआई यूएक्स बनाते हैं वो लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो अगर मुझे आइकन्स लेना है, इन आइकन्स को इस्तेमाल करना है, तो आइकन का पैकेज अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड दैट इज दिस। तो मुझे इस पर क्लिक करो, बक्सी के काले के जाता है मुझे, ओके। तो ये रहा मेरा उसका कमांड, ठीक है। तो ये कमांड डाल के मुझे इसको इंस्टॉल करना होगा। मैं फिर से बताता हूँ स्टार्टिंग से एकदम, क्योंकि नया नया है, ये टूल्स को इस्तेमाल करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि इसमें से कुछ चीजें हम टाइम टू टाइम इस्तेमाल करने लगेंगे। तो मटेरियल यूआई लेना है आपको, मटेरियल यूआई फिर इधर पे किसी साइट पे जाएंगे, और एट द वेरी बिगिनिंग आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए आपको ये वाला लिंक लेकर इंस्टॉल करना है। कॉपी करेंगे उसको, टर्मिनल पे जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारा इंस्टॉल हो चुका है, यू कैन सी ये मेरा कमांड था उसका, एंड 36 पैकेजेस इंस्टॉल हो चुका है। कितने लोग का इंस्टॉल हो गया, टाइप डी इन द चैट, एक बार देखो टर्मिनल में जाकर। ओके, तो इंस्टॉल होने के बाद ये हमको एक्चुअली चीज क्या चाहिए थी, बस उसको सर्च कर लो यहाँ पर। आई वाज नीडिंग मटेरियल आइकन, तो आइकन के इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं आइकन पे क्लिक किया तो मुझे आइकन्स के, आपको देखो सिंबल्स बहुत सारे आइकन्स नजर आ रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स में, मगर तो इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो एक फिर वो आइकन बार कहाँ से खुला, एक बार मेरा स्क्रीन पे जानता हूँ लैपटॉप की, वो क्या हुआ, आइकन्स कहाँ से खुले एक बार बताना, सर्च बार से। अच्छा हाँ उसको सर्च बार से क्या हुआ, यहाँ पे जस्ट मैंने टाइप किया आइकन, देखो यहाँ पे मैंने आइकन टाइप किया, तो ये था वो मेरा जिस पे मैंने लिंक पे क्लिक किया। तो मटेरियल आइकन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यही वाला स्क्रीन आएगा, मटेरियल आइकन। तो मटेरियल आइकन में आपको इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगर आप एनपीएम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कमांड है, यान यूज कर रहे हैं तो क्या कमांड है। यान इज समथिंग सिमिलर टू एनपीएम ओनली, बहुत पॉपुलर एनपीएम है तो एनपीएम यूज करेंगे। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से और फिर इसको जाएंगे, मगर इसके अंदर भी मुझे कुछ चीजें चाहिए आइकन से के अंदर भी। तो मैं पहले इसको और थोड़ा सा जाता हूँ, इसके अंदर मुझे और मिलेगा,
इसी के अंदर सर्च टाइप करता हूँ मैं, सर्च। देखो ये वाला जो आइकन दिख रहा है, और कोई है क्या? नहीं सर एनपीएम से इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है? अभी नहीं, रुक जाओ, मैंने नहीं किया ना, मेरे बात ही करना है। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, हमको ये चाहिए, ठीक है? एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, गौर से देखो। जस्ट मैंने क्या किया, इसी ये वापस से उसी आइकन वाली जगह पे आया और यहाँ पे सर्च टाइप किया, और मुझे ये वाला आइकन चाहिए। ये वाला आइकन क्यों चाहिए? क्योंकि अमेजोन की ओरिजिनल साइट पे यही आइकन दिख रहा है, ये वाला आइकन। सो ये आइकन मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने ये आइकन पे गया। ये रही वो आइकन, और ये आइकन मैंने लिया यहाँ पर, और ये आइकन को लेने हैं तो मुझे इसको इम्पोर्ट करना होगा ये लाइन से। ये एक्चुअली रिक्वायर्ड था मुझे, तो मेरे को ये चीज उठाकर जेएसएक्स में डालना पड़ेगा, ठीक है? जेएसएक्स में डालना पड़ेगा और फिर हम लोग उसको आगे कर सकते हैं आगे। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि एनपीएम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं हम लोग, तो मैं डायरेक्टली इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। पूछ रहा था विल सीट, तो आप लोग को स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। सर्च आइकन चाहिए था मुझे, सर्च आइकन मैंने ले लिया है। एंड लेट्स गो टू कोड। कोड में ये लगेगा हमको सीएसएस में, क्योंकि एज अ कंपोनेंट हम पुल कर रहे हैं। इसको हम जाएंगे इधर पे, हेडर डॉट जेएस पे, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है? सब लोग को करना है। डन, यस मेरा सर। पार्ट। माइक का मत इस्तेमाल करो ज्यादा, शॉक वेव्स क्रिएट होते हैं। ओके यहाँ पे अब मैं वो कंपोनेंट, इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है मुझे, क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं किया इसलिए। तो हम लोग हेडर सर्च के जो क्लास नेम पे थे, वी विल बी वर्किंग ऑन दैट। सो मैं यहाँ पर एक मटेरियल यूआई का कमेंट डालता हूँ, तो मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई से लिख रहा हूँ, तो दिस इज माय मटेरियल यूआई। तो इसके नीचे उस वो कोड का हिस्सा नहीं है, जस्ट लाइक अ कमेंट। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च आइकन जो ऊपर मैंने लिया, सर्च आइकन, इसको क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम इक्वल टू, इसको एक नया क्लास नेम में दे रहा हूँ, एंड दैट इज एम कन्वेंशन के मुताबिक हेडर अंडरस्कोर सर्च आइकन, ठीक है? मैंने एक डिव टैग के अंदर एक सर्च आइकन यहाँ पे दिया है, ठीक है? इतना करो। इसके डालने से हमारे आउटपुट में कुछ इश्यूज तो नहीं आएगी, इतने पहले होती है बात। ओके वुड यू नॉट हैव अंटिल इट एवर आइकन मटेरियल आई सर्च।
इसको मैं यहां से टर्मिनल पे देना सब कुलसुम आपको क्या इशू आ रहा है? एनपीएम इंस्टॉल ही नहीं हुआ। एनपीएम तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, आप जब नोड जेएस इंस्टॉल करते हो ना तब भी होता है। अभी हम लोग को ना ये इंस्टॉल करना है, तो टर्मिनल पे आपको बस एनपीएम टाइप करके इसको इंस्टॉल करके देना है। लेट्स सी क्या हो रहा है इधर पे। इसको किल करना पड़ेगा मुझे। ओके वो एरर होगा, वो जो आपको आ रहा है ना वो एरर। ओके सो एक काम करते हैं, रुको, यहाँ पे मुझे npm इंस्टॉल देखो, अभी आई एम एन इंस्टॉल वर्ड डालना भूल गया, एरर आई एम गेटिंग अगेन। फिर से देखता हूँ। ओके सो बिफोर दिस आई थिंक npm यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे हम एट द रेट रिमोशन स्लैश रिएक्टो। लेट्स सी दिस इज वर्किंग। ओके ये इंस्टॉल हो रहा है, आप लोग भी ये वाला करो npm install react। ये हुआ इंस्टॉल सबका, npm इंस्टॉल एट द रेट इमोशन रिएक्ट।
हाँ मेरा एनपीएम रीस्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैंने इसको टर्मिनल से किल कर दिया था। ओके, कितने पैकेजेस इंस्टॉल हुए इसके? इमोशन रिएक्ट के 239 पैकेजेस। ये वाला करना है, ये वाला 240 हर्षद, ये वाला करना है। तो सर वो कर लिया। क्या एरर आ रहा है आपको? उसका लिखकर आ रहा है ना 239 पैकेजेस, ऐसे कुछ लिखकर आ रहा है क्या? यस सर। वही चाहिए था। रिएक्ट स्टार्ट हुआ। ओके, यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जो सर्च आइकन कंपोनेंट हमने लिया है, ये तो इनबिल्ट मतलब रेडीमेड मटेरियल यूआई से हमने उठाया है ये वाली चीज। तो इससे हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे पास ऐसा वाला आइकन है, ये वाला, ये जो आइकन देख रहे हो ना, ऐसा आइकन है। तो ये आइकन को बैक, एक्चुअली आइकन का कलर जो है वो भी काला है, ब्लैक कलर है ना, तो उस हमको विजिबल नहीं होगा। तो विजिबल नहीं होने की वजह से हमको इशू आ सकता है। तो मॉड्यूल नॉट फाउंड, कांट रिजॉल्व एट, ये मॉड्यूल नहीं मिल रहा है। एक बार मैं इसको इंस्टॉल करके देख लेता हूँ। ओके, एनपीएम फाइव, देखो अभी ऐसे एरर्स आते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ अपडेट्स आए रहेंगे, कुछ ना कुछ रहेगा, तो ये सब एरर आता है। इसमें से पैनिक नहीं होने का, इसको अपने को नेट से ढूंढना पड़ता है क्या सलूशन निकाला। ठीक है, यहाँ तक अपन जाते हैं। एक क्या हो जाए, कहाँ से आ गया? इसको स्टैक ओवर फ्लो में ढूंढना पड़ेगा, अभी क्या रीजन से अपने को नहीं आ रहा है। तो आई हैव इंस्टॉल बोथ यूआई कोर यूआर आइकन, आई एम ट्राइंग टू इंस्टॉल फाइल विद आई एनपीएम इंस्टॉल कोर इंस्टॉल आइकन। देखो अभी ऐसे कोड रीड करना पड़ता है थोड़ा, फिर आपको इधर पे किसी ना किसी का सलूशन मिल जाएगा, तो वो सलूशन को यूज करेंगे हम लोग। ओके, लेट्स सी के इसके एक आंसर यहाँ पे जो है, चार आंसर है, उसमें से पहला आंसर इसने बोला है कि ये वाला यूज करो। तो लेट्स सी, हम लोग ये वाला यूज करके देखते हैं। एक ने अभी जस्ट रिसेंटली हमने ये वाला किया, राइट? ओके, लेट्स सी। ये ऐसे चैलेंजेस आए, उनको ढूंढना है रियल टाइम में, और फिर उसको ढूंढ के निकालना है, फिर सॉल्व करना है, रिसॉल्व करना है, सब आएगा। मीनवाइल मैं ना यहाँ पे ओ, लोगों लोगों ने नेविगेशन बार में कर दिया ना, ठीक है ना? ये वाला आप लोग भी इंस्टॉल करके देखो।
आइकन मटेरियल्स का आप लोग इसमें हुआ है क्या? मेरे से बहुत टाइम लगा है। डन मेरे से उतना टाइम भी लगा। Meanwhile, उसके आंसर में और क्या दिया था? Use migration from v4 to v5 following link npm npm install miui apple material okay। एक ये भी है, बहुत सारे दिए मैंने solutions। I think I got stuck। ओके जब तक वो हो रहा है हमारा, यहाँ पे मैंने क्या डाला है देखो, यहाँ पे मैंने डाला हेडर, क्लास नेम डाला हेडर सर्च आइकन। इसका इस्तेमाल करके मैंने चैट पे डाला हूँ वही पैकेज को इंस्टॉल करना। हर्षल ये वाला ओके कहाँ था मैं? सीएसएस में हमको ये जो मैंने अभी बनाया है हेडर सर्च आइकन, इसको कॉपी करना है और फिर इसको हम लोग इधर ऊपर लेता हूँ नेविगेशन बार के ऊपर है वो, तो डॉट यहाँ पे इसको पेस्ट करो और इसका हेडर फाइल को यहाँ पे इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दो। बैकग्राउंड कलर लेट इट बी एक्वा फिलहाल के लिए, बाद में इसको मैं चेंज करता हूँ। तो ये क्या होगा ना, मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है ये जो आइकन का बैकग्राउंड कलर देख रहे हो आप, इस येलो कलर जैसा है, ये एक्वा कलर में आएगा। ठीक है, ये रे पाया। नाउ यू कैन सी के मेरे को आइकन आ गया। आप लोग को आया क्या? तो पैकेज इंस्टॉल नहीं था उस वजह से इश्यूज हो रहे थे। तो देखो ऐसे ही है, रियल टाइम चैलेंजेस इंडस्ट्री में अब हम लोग कोडिंग करते हैं तो आते हैं, क्योंकि जो हमने सीख कर कॉलेज में आए जरूरी वही चीज आएगा। तो क्योंकि ओवर द टाइम इंटरनेट पे चीजें अपडेट होती रहती है, तो मटेरियल यूआई भी अपडेट हुआ था, तो मैंने अभी इसको ये वाला पैकेज इंस्टॉल किया और फिर मेरे को अभी आउटपुट आ गया है। तो यू कैन सी द आई गॉट द आइकन। अब ये प्रॉपर नहीं है ना, जैसा अपने को चाहिए यहाँ पर वैसा नहीं है, ना ही ये सर्च बार वैसा है, तो प्रॉपर चाहिए। एक और चीज की कलर भी प्रॉपर नहीं है, कलर भी सही नहीं है। तो मेरे पास एक्सटेंशन में एक कलर पिक एक्सटेंशन आता है, हाँ कलर पिक आई ड्रॉपर, ये देखते हैं। एक ये याहू मेरे को परेशान कर रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा सा आता है। आई थिंक आई हैव योर कलर जिल्ला है मेरे पास। आप लोग ने दिया था कि लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था कि ये आता है, ये तो मैं आप लोगों को जो नए लोग हैं उनके लिए भी बता देता। चलो कलर पिक आई ड्रॉपर एक्सटेंशन, ये गूगल का जो एक्सटेंशन होता है, जैसे प्ले स्टोर होता है वैसे गूगल का भी वेब स्टोर होता है, उधर पे आपको ये मिल जाएगा। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करके इसको ऐड पर एक्सटेंशन करो। यहाँ पे मैं अमेजोन वाला यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है अमेजोन की साइट। ओह उधर भी परेशान हो गया, फ्री में घुस जाता है यार। ओके
सो हियर इज माय कलर जिंदा, चलो कलर जिंदा ही देते हैं, कलर पिकर करते हैं और ये ओके ये रहा मेरा कलर ये। तो मुझे उसका देखो इफ यू सी मुझे उसका हैश वैल्यू दिख रहा है, चला गया वो ये वाला कॉपी कर लिया मैंने। तो अब मैं अगर अपने कोड पे जाऊं और कहाँ है वीएस कोड इधर पे पेस्ट करता, देखो ये उसका हैश कोड था। तो अब मैं इसको चेंज करता हूँ उसी हैश कोड पे, देखो आगे कलर हो। तो अब मेरे आउटपुट पे देखते हैं कि वेदर द सीन हैव चेंज या नॉट। ये रहा ये देखो आइकन कलर चेंज हो गया, पहले मैंने एक ऐसी रैंडमली अपना एक्वा डाला था, अब मेरे को जो एक्चुअल कलर है वही कलर मुझे आ गया है। तो अभी वो हैश कोड अपने को पता नहीं होता है ना, तो इसीलिए हम लोग कलर जिल्ला ऐसे सब एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर बताऊं क्या एवरीवन यार, ये आप लोगों ने यूज किया है पहले ये सब चीजें? यस नो रिप्लाई करो अगर आपको सेम कलर चाहिए होता है तो। नो अच्छा नेटफ्लिक्स पे किए थे तो देखो ये एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करना है, प्रेस करो देखो लिंक दिया मैंने आपको, इसको ऐड करो अपने इसके अंदर एक्सटेंशन में, ऐड टू एक्सटेंशन होगा और वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके ब्राउजर पे। ब्राउजर पे एक बार इंस्टॉल हो गया तो आपको लिख कर आएगा, देखो यहाँ पे आइकन बन के आ रहा है मुझे कलर पिकर। तो अभी ये कलर पिकर मेरी हेल्प करेगा, मेरे एक्चुअल अमेजोन साइट पे जाता हूँ फिर से और फिर से वापस इस पे क्लिक करता हूँ कलर पिकर पे। और यहाँ पे देखो ये रहा, तो ये गॉट आई गॉट द कोड, तो ये कोड मेरे को मिल गया। अब बस उसको कॉपी पेस्ट करना है मेरे इधर पे, तो एग्जैक्ट कलर आपको मिल जाएगा। ठीक है तो अभी चलो इतना सबको आउटपुट आ रहा है, एवरीबॉडी गेटिंग एटलीस्ट दिस थिंग, एवरीवन हियर यस नो इन द चैट। ओके तो यहाँ पर देखो मुझे अभी उसका साइज बहुत छोटा है ना, उसका स्पैडिंग बढ़ा देता हूँ, पैडिंग उसकी 5 पिक्सल रख देता हूँ तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो बड़ा हो गया आइकन, थोड़ा बड़े साइज का आ गया। और फिर इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, हाइट हम लोग हाइट अराउंड 22 पिक्सल ऐसा डाल देता हूँ। हाइट बढ़ गई, अभी इसको मैं जो हेडर डॉट सर्च था मेरा मतलब इसका क्लास फाइल ये वाला जो बॉक्स के लिए ये बॉक्स है ना उसकी बात कर रहा हूँ, उसका भी साइज बढ़ा देते हैं ना, तो उसको इसके ऊपर करते हैं डॉट। इसका डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स देखो अलाइनमेंट सही आ गया और इसको भी प्रॉपर बीच में लेते हैं, फ्लैक्स 1 करते हैं, एक सिंगल यूनिट बन जाए वो।
फ्लेक्स वन तो इधर से, हाँ अभी हुआ, ये एक हुआ, फिर इसको सेंटर कर लेते हैं, वर्टिकल सेंटर पे, वर्टिकल सेंटर पे आएगा, वर्टिकल सेंटर पे इसका साइज छोटा हो गया, बॉर्डर रेडियस देखते हैं जो कोने कोने में इसका साइज बना है, बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, 24 पिक्सल घुमावदार हो जाएगा। अभी मुझे एक्चुअली साइज छोटा हो गया ना, मेरे को उसको अलग से थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ ये रहा, सर्च हेडर, सर्च इनपुट, खाली वो बॉक्स की बात करेंगे तो उसके लिए अलग से मैं यहाँ पर डॉट सर्च हेडर डॉट इनपुट, मतलब सिर्फ इसकी बात कर, बॉक्स की जहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा एनवायरमेंट के लिए। तो यहाँ पर पैडिंग देता हूँ मैं इसका 10 पिक्सल, लगभग रफ एस्टिमेशन देखो। हाँ हाइट थोड़ी कम करनी पड़ेगी, बड़ा हो गया ज्यादा, हाइट 12 पिक्सल। अब थोड़ा सा अलाइन दिख रहा है, उसको देखो इसका जबरदस्ती एक बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर को हटाना ही तो क्या लगता है, बॉर्डर नन, इफ यू रिमेम्बर बॉर्डर नन, अभी भी आ रहा है विथ 100%। हाँ कुछ करो ऐसा आप लोग, कोई चेंजेस करना है आप लोग को सबको, इसमें और भी चेंजेस है वो अपन करेंगे, पहले इतना कर लो। और मुझे स्क्रीनशॉट पे भेजो व्हाट्सएप पर।
डन डन एवरीवन। क्या आप लोग कर रहे हैं ना कि कुछ कर रहे नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे। पापा सर एक मिनट व्हाट्सएप चेक करो ना, एक इश्यू आ रहा है। आपने पर्सनल पे भेजा है क्या? और आई गेस कि भेजो ग्रुप। तो मैसेज पे कोई तो मैंने इंस्टॉल किया लास्ट वाला पैकेज, बट फिर भी आ रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, एरर कांट रिजॉल्व, एमयूआई स्लैश आइकॉन मटेरियल सर। आपका मैसेज नहीं आया मुझे एक्चुअली, क्योंकि आप क्या करो स्क्रीन शेयर करो। सर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप राइट, सॉरी मोबाइल में कर रहा हूँ, लैपटॉप बना ये आपको जो एरर आ रहा है, हाँ लो। अब मैं आपको पर्सनल में भेजू सर मैसेज। भेजो, क्योंकि मुझे कोई ऐसा मैसेज दिख रहा नहीं ग्रुप पे। ओके अदर्स, आप लोग जो लास्ट स्क्रीन शॉट है, वो जो आउटपुट आया है वो भेजो सब लोग व्हाट्सएप पे। आपका आउटपुट ऐसा आना चाहिए। ओके मैं आप लोग को ये फाइल ग्रुप पे वापस शेयर कर रहा हूँ। ओके।
ESS का फाइल शेयर किया है और JS का फाइल भी वापस शेयर किया है। देखो अभी WhatsApp पे देख क्या हो रहा है, हम लोग कोड शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रहे लाइव सेशन में हम लोग इंस्टॉल कुछ करते हैं वो हमको वीडियो से ही मालूम पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा वही एरर आया जो मुझे इससे पहले थोड़ी देर पहले था। अच्छा तुमको इंस्टॉल करते वक्त एरर आ रहा है, npm इंस्टॉल आइकन एट द रेट नहीं डाले तुमने, यहाँ पे एट द रेट है। अच्छा मेरा मेरे चैट पे शायद भेजा है, ये देखो एट द रेट का अच्छा सिंबल गॉट होता इट है, गॉट इट। ये तुम्हारा मिसिंग हो सकता है। मैं वो सारी चीजें यहाँ पे ग्रुप पे जो जो हमने इंस्टॉल किया है आज एक ये भी इंस्टॉल किया था ना मैंने, मटेरियल यूआई से प्रोजेक्ट सबसे पहले ये इंस्टॉल किया था, ये इंस्टॉल किया। ओके सो शेयर मी द आउटपुट एवरीवन, कितने लोग ने किया है तब, और सब सी दानियाल का हो गया है, वेरी गुड दानियाल। शहजेब आपने भी जो मैंने किया वैसे ही किया है, बाकी लोग ने नहीं किया था। यस सर। जहरा का हो गया है, वेरी गुड, ठीक है। लोग यहाँ पे सेशन एंड करता हूँ, वी विल बी मीटिंग अगेन इन नेक्स्ट सेशन। और देखो ये अब यहाँ से आपने नोटिस किया होगा कि हम जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं और ये आएगी, और यही चीज यही कुछ फेस करना है। अब ये आप लोग अगर कुछ सीख लेते हो तो जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो वो रिजॉल्व कैसे करना है वो भी सीखना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में आपको ये प्रॉब्लम फेस करने मिलेगा, जहाँ पे 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व होता है, आप 2-3 दिन लगा दिए प्रॉब्लम पे, तो फिर आपका मैनेजर भड़केगा, टीम लीडर भड़केगा, फिर उसका टाइम लगा रहा है काम करने आपको, तो ये सब चीजें आपको ये यहाँ पे भी मेरे सेशन में आप मेरे साथ सीखोगे कि किस तरीके से एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमसे अगर कोई लाइफ प्रॉब्लम आते हैं तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व करें। ओके तो आई होप एवरीबडी विस विथ मी। और यहाँ पे मैंने दो दो फाइल शेयर किया, वो दो फाइल पे ही चेंजेस पे, एक हेडर डॉट जेएस पे और एक हेडर डॉट सीएसएस पे, वो अहेड और आगे जाएंगे। तो सब लोग अपना अपना आउटपुट शेयर करो, किसी को इश्यू है तो लेट मी नो। यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं, किसी को इश्यू है तो गेट इट रिजॉल्व जस्ट नाउ इटसेल्फ।